हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट थ्री। इससे पहले पार्ट वन में हमने देखा आयटा क्या होता है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पार्ट टू में हम देखेंगे किसी नंबर को ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो नंबर ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें ए मेरा होता है रियल पार्ट और बी होता है मेरा इमेजनरी पार्ट। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे 2 + 3 8 है, इसमें रियल पार्ट क्या है 2 है और इमेजनरी पार्ट क्या है इसमें 3 है। आइए देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -4 का स्क्वायर रूट 1 - -4 64 का स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन है और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन 2 - 16 2 - -16 0। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। -4 स्क्वायर रूट को मैं -1 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1 - -64 को लिख सकते हैं, पार्ट वन में मैंने आपको बताया था ये लिख सकते हैं। और -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है आल्टा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 1 माइनस, यहाँ अगेन आल्टा, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो क्या आ गया सॉल्व करके 1 - 8 आल्टा और अंदर मल्टीप्लाई किया क्या गया 2 - 16 आल्टा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और आल्टा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू ओपन की मैंने तो क्या आ गया 2 - 16, और इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 2 + 16, और 2 + 16 क्या है मेरा ए, तो मेरा ए क्या आ जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2 + 3 - 2 - 3 और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे ए बी सी डी। 13 - 13 - 13 तो कैसे करेंगे इसको, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे साइड में फार्मूला लिख करके है मैंने a + b a - b का फार्मूला होता है a² - b²। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू का है 2 और बी की वैल्यू का 3 8, तो मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा a² - b²। ठीक है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 - 9 - 8 स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा 13, तो ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 2 - 3 - 3। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे ए बी सी डी। -19 - 19 - 19 - 19 - 19 तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। 2 - 8 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसको 8 - 8 क्यूब लिख सकता हूँ। ऐसे 3 का क्यूब क्या होता है 27 - 8 क्यूब। ठीक है, 8 एज इट इज 8 क्यूब की वैल्यू क्या आती है -8 - 27, यहाँ भी 8 क्यूब की वैल्यू -8। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई की -8 - 8 और -27 - 8, तो यानी क्या आ गया 19 - 8, तो डी क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2 + 3 - 8 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है a + b का स्क्वायर। तो क्या होता है a² + में
बी स्क्वायर प्लस में 2a और b है, तो क्या देगा 4 प्लस में 9 आटा स्क्वायर, 2 में 4 4 दिए 12 आटा प्लस 9 आटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है प्लस में 12 आटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस के 9 प्लस के 12 आटा, तो इसको सिंप्लीफाई किया माइनस के 5 प्लस में 12 आटा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका क्या जगह आंसर आएगा। ऐसे यहाँ पे 2 की जगह पे 3 भी लिख सकता है, वो 3 आपको फार्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस बी क्यूब का होता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास 3 प्लस आटा बटे में 2 माइनस आटा, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ए है 1 प्लस आटा, 1 माइनस आटा, सी है माइनस 1 माइनस आटा और डी है 0। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा एक्सप्रेस इन ए प्लस आटा बी, इसको ए प्लस आटा बी की फॉर्म में क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम रैशलाइजिंग का यूज़ करते हैं। अब रैशलाइजिंग क्या होती है साइड में बता देता हूँ आपको, जैसे 1 बाई एक्स प्लस वाई है, मुझे रैशलाइजिंग करनी है, रैशलाइजिंग में करते क्या हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी की मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को डिवाइड करते हैं, बस साइन क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जैसे यहाँ करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी रैशलाइजिंग करनी है, नीचे वाला पार्ट उसी से मल्टीप्लाई, बस साइन को चेंज करके, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ठीक करके लिख लेते हैं, 3 प्लस आटा 2 प्लस आटा, नीचे क्या बन गया ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस के बी स्केयर, ठीक है दोस्तों। तो अंदर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 की 3 दूनी 6 प्लस 3 आटा, ऐसे सेम इसकी 2 आटा प्लस आटा स्केयर, नीचे क्या बन गया 2 का स्केयर 4 माइनस आटा स्केयर, तो क्या बन गया 6 आठ 3 और 2 5 आटा, और आटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है माइनस 1 बाय 4 माइनस आटा स्केयर की वैल्यू क्या है माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व किया 6 में से 1 गया 5, 5 प्लस 5 आटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 4 एक 5, ऊपर से 5 को बना गया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस आटा बाय में 5, इससे कट गया तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 प्लस आटा, और 1 प्लस आटा क्या है ए, तो ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए प्लस आटा बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तभी कंपेयर किया जा सकता है जब इनके बीच उनके बीच में इक्वल का साइन हो, जैसे यहाँ इक्वल का साइन है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और कंपेयर करते कैसे हैं, रियल पार्ट को हमेशा रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो ए क्या है यहाँ रियल पार्ट है, और इस तरफ रियल पार्ट क्या है 2, यानी कि रियल पार्ट के साथ कंपेयर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो ए की वैल्यू क्या कि 2 और बी की वैल्यू आ गई 3, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है ए प्लस आटा बी इज इक्वल टू है 2 प्लस 3 आटा और 2 माइनस 3 आटा, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू क्या करनी है मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ए प्लस आटा बी, तो करेंगे क्या, ये पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, पहले मैं राइट हैंड साइड को ए प्लस आटा बी की फॉर्म में सिंप्लीफाई करूँगा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस आटा बी की फॉर्म में चेंज करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला है ए स्केयर माइनस के बी स्केयर, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ, ये 4 माइनस के 3 तीय 9 आटा स्केयर, 4 माइनस 9
आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ठीक है दोस्तों, आयटा बी माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस आयटा बी क्या आ गया मेरा 13 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इस तरफ मैं कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मैं 13 को प्लस 0 आयटा लिख दूँ, 0 के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो 13 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अगर मैं पूछूँ रियल पार्ट क्या है, इधर इस तरफ रियल पार्ट क्या है ए, और इस तरफ रियल पार्ट क्या है 13, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 13, और बी इधर बी क्या है 0, तो मेरी ए की वैल्यू आ गई 13 और बी की वैल्यू क्या आ गई 0। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे, जैसे एक क्वेश्चन हो लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 3 प्लस आयटा 2 माइनस आयटा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया पीछे, इसकी रेशनलाइजिंग करके 2 प्लस आयटा बटे में 2 प्लस आयटा, इसमें ए और बी की वैल्यू, यानी कि पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में चेंज करूँगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आया था मेरा, अभी मैंने आपको करवाया, आंसर क्या आया था 1 प्लस के आयटा, ठीक है दोस्तों। अब मैं कंपेयर करूँ तो रियल पार्ट क्या है, यहाँ ए क्या है 1 और बी क्या 1, तो ये आ जाएगी मेरी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो ऐसे ही आप आयटा से रिलेटेड ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है किन्हीं नंबर को, आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू।